अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चांद मोहम्मद सैफ़ी, ऑल इंडिया सैफ़ी काउंसिल सदर, आपको 47वें सैफ़ी डे की दिली मुबारकबाद देता हूं। और दोस्तों, आपको ये बात बतलाना भी बहुत ज़रूरी समझता हूं कि 1949 में दुनिया भर के जो अमीर यहूदी थे उन्होंने मिलकर $1 बिलियन जमा किया था यहूदी सिनेगा बनाने के लिए कि हम यरूशलम में एक शानदार इबादतगाह बनाएंगे और ऐसी इबादतगाह बनाएंगे जो पूरी दुनिया में नहीं होगी। तो एक सियाने यहूदी ने उन्हें मशवरा दिया कि ये $1 अरब इबादतगाह पे ज़ाया ना करें, आप इसका एक एजुकेशन ट्रस्ट बना दें ताकि आने वाली जो यहूदी नस्लें हैं वो तालीम के ज़रिए अपने रब को पहचानें। और उनको ये बात समझ आ गई और उन्होंने एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तामीर कराई और उनका नतीजा ये निकला कि आज तमाम यहूदी आला तालीम याफ्ता हैं। इसलिए मेरी आप तमाम भाइयों से अपील है कि आप सब मिलकर भी कोई ऐसी मुहिम चलाएं जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी आला तालीम याफ्ता हो जाएं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हम हर साल 40,000 करोड़ रुपए ज़कात के निकालते हैं, क्यों ना हम भी एक ऐसा एजुकेशन ट्रस्ट बनाएं जो हमारे लिए अच्छी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और अच्छे हॉस्पिटलों की तामीर करा सके जिससे हमारी आने वाली नस्लें भी आला तालीम याफ्ता हो सकें। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप भी इस बारे में थोड़ा गौर व फिक्र करें ताकि हम भी अच्छे तालीम अपने बच्चों को दिला सकें। अस्सलाम वालेकुम।